人家一扔。人家一扔来。啊，这边来，这边来，这边来，这边来，这边来，这边来，这My journey in Khatron Ke Khiladi is something which is unforgettable, and this experience I don't think I can ever experience again. And I am so proud of myself for whatever I did over there. Or you know, you feel great when you almost conquered all your fears, and kisi had tak you're fearless. So it really feels great. I still sometimes, you know, go in my own world and think, close my eyes, and was that me who was doing all that? But then yes, I did it. I mean, we all conquered our fears, and I'll say everyone should do a show like this, because you discover so many things about yourself which you perhaps will never come to know about yourself, that you can do this as well. So yes, I am so thankful to everyone who pushed me to do this show. देखिए मैं हाइट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ. मैं मुझे हाइट बहुत पसंद है, कहीं से भी कूदना एंड ऑल दैट, तो वो सब आई लाइक. बट जैसा कि हम सबका फियर जो सबसे बड़ा होता है वो है क्रीपी क्रॉलीज, जो हम लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. छोटा कॉकरोच भी देखते हैं तो डर जाते हैं. सो यस, दैट वॉज समथिंग आई एम सो ग्लैड कि इतनी चीज़ें कर ली, और कैसे कैसे किया आपने देखा भी होगा, गाना भी गवाया, बहुत कुछ किया. But it was fun. It was fun. And at the end of the day, you feel happy. और ऐसा नहीं है कि आपको nightmares आ रहे हैं, सपने में भी वही सब आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. I mean, you do it and you forget it. That's मेरे साथ at least यही हुआ है. सब अच्छे थे, ऐसे कोई specific नहीं है जो close हुआ. सब लोग बहुत अच्छे से बात करते थे. We were a group. और हम सब बहुत मज़े करते थे साथ में. एक साथ बस में जाते थे, एक साथ बस में आते थे, तो इट वाज सुपर फन. सबके साथ बहुत मज़ा आया. आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा अलग था. वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ रियलिटी शो. एंड रियलिटी शो में कैसे होता है जब आप बाकी लोगों से मिलते हैं जिनको आप कभी नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं. सो इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस, अ लर्निंग फॉर मी. बाकी लोगों ने बहुत काम किया है, रियलिटी शोज़ किए हैं, मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन रियलिटी शो मेरा पहला था, तो मेरे लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था. यू नो, मुझे अपने आप को ढालना पड़ा इस तरह से कि बाहर ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, और यू हैव टू बी गुड विद दैम, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद दैम, एंड यू हैव टू ट्राई एंड जेल विद एवरीबडी. सो इट वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड अ लर्निंग. रोहित सर वॉज गुड, रोहित सर वॉज वेरी गुड. हमेशा उन्होंने हर किसी को मोटिवेट किया. इनफैक्ट इस टाइम हमारे पहले, हमारा जब सीज़न शुरू हुआ, द फर्स्ट थिंग जो रोहित सर ने बोली वॉज कि हर बार एक लड़का सीज़न जीतता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि एक लड़की सीज़न जीते. और हम सारी लड़कियों ने बहुत कोशिश की है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई हैव टू टेल यू गाइज, आई मीन इट्स समथिंग विच आई वॉन्ट टू वॉच वेन एवर इट इज़ टेलीकास्टेड. एंड जब मुझे इतना ये हो रहा है कि मुझे देखना है, मैंने एक शो काफ़ी साल किया, शुरू वाली फीलिंग नहीं होती है कि अरे मैं टीवी पे दिखने वाली हूँ, वैसी फीलिंग हो रही है. दिस इज सो फनी बट दिस इज़ ट्रू, बिकॉज आई एम गोना सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर.
और वहाँ पर भी वो लोग हमेशा ये कहते थे कि अभी तो तुम लोग कर लेते हो, जब टीवी पे देखोगे तो तुमको ओ माय गॉड ये मैंने किया है. सो दैट्स गोना बी फन. आई एम वेटिंग फॉर इट.